हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर में अपनी फेवरेट गेम्स खेलने के बाद अब लोग वेट कर रहे हैं नवंबर में आने वाली नई नई गेम्स का, क्योंकि इस महीने आने वाली है कुछ बहुत अच्छी गेम्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा PS4 की नवंबर में आने वाली गेम्स कौन कौन सी हैं, साथ में बताऊंगा उनकी रिलीज डेट्स और उनके प्राइजेस के बारे में भी। तो सबसे पहले जो नवंबर में गेम आने वाली है वो है हिटमैन 2। हिटमैन एक एक्शन गेम है, उसके कुछ पहली गेम्स PS2 में और PS3 में आ चुकी हैं और ये हिटमैन की जो लेटेस्ट सीरीज है उसका ये सेकंड पार्ट है। इसकी जो रिलीज डेट है वो है 13 नवंबर और उसका जो प्राइस आने वाला है वो है 3500 स्टैंडर्ड एडिशन का। और उसके अलावा इसमें दो और एडिशन आने वाले हैं, एक है गोल्ड एडिशन और इसका एक आने वाला है अल्टीमेट एडिशन। इसके बाद जो गेम आने वाली है वो है फॉलोआउट 76। फॉलोआउट एक साइंस फिक्शन गेम है और ये कुछ लोगों को काफी पसंद आती है और ये इसका इससे पहले PS3 में और Xbox 360 में इसकी कुछ गेम्स आ चुकी हैं और इससे पहले PS4 में इसका एक और इसकी गेम आ चुकी है जो कि आई थी 2015 में और उसके 3 साल बाद इसकी लेटेस्ट गेम रिलीज होने वाली है। उसका उसकी जो रिलीज डेट है वो है 14 नवंबर और इसका जो प्राइस आने वाला है वो होगा 4000 रुपये स्टैंडर्ड एडिशन का। उसके अलावा इसमें दो और एडिशन आने वाले हैं, एक है फाउंडर पैक एडिशन और इसमें एक और एडिशन आने वाला है वो है पावर आर्मर एडिशन। उसके बाद जो गेम आने वाली है वो है Battlefield 5। कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद Battlefield 5 एक जो ऐसी गेम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो लोगों को काफी पसंद आती है और इससे पहले Battlefield की एक गेम PS4 में आ चुकी है Battlefield 1 2016 में और ये गेम आई थी World War 1 पे जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था। तो इस बार जो गेम आने वाली है Battlefield 5 वो भी आएगी World War 1 पे ही। इस गेम की जो रिलीज डेट है वो है 20 नवंबर और इसका जो प्राइस आने वाला है वो है 4300 स्टैंडर्ड एडिशन का और इसके अलावा अभी इंडिया में इसका कोई भी स्पेशल एडिशन नहीं आने वाला है। उसके बाद जो गेम आने वाली है वो है फार्मिंग सिमुलेटर 19 और ये गेम उन लोगों के लिए है जिन्हें खेत में काम करने में ना बहुत मजा आता है और ये गेम आने वाली है 20 नवंबर को और इसका जो प्राइस आने वाला है वो होगा 3500। उसके बाद जो गेम आने वाली है वो है Darksiders 3 और ये जो गेम है इसके पहले दो पार्ट PS3 में और Xbox 360 में आ चुके हैं काफी पहले और इसका जो सेकंड पार्ट था वो आया था 2012 में और ये गेम जो है कुछ गेम लगती है गॉड ऑफ वॉर की जैसी और ये मेरी खुद की सेकंड पार्ट जो है मेरा खुद का फेवरेट है और उसके 6 साल बाद इसकी सबसे लेटेस्ट गेम Darksiders 3 रिलीज होने वाली है और उसकी जो रिलीज डेट है वो है 27 नवंबर और उसका जो प्राइस आने वाला है वो होगा 4000 रुपये। उसके बाद जो गेम आने वाली है वो है इस मंथ की सबसे लास्ट गेम और वो है Ride 3। Ride 3 एक बाइक रेसिंग गेम है और वैसे तो बाइक रेस गेम बहुत कम लोग खेलते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको बाइक रेस खेलना काफी अच्छा लगता है। इस गेम की जो रिलीज डेट है वो है 30 नवंबर 30 नवंबर और उसका जो प्राइस आने वाला है वो होगा 3500 3500। और उसके बाद मैं बताता हूं इसको आपको एक और गेम जो कि आने वाली है दिसंबर में और वो गेम है Just Cause 4। और मैंने ये गेम इस लिस्ट में इसलिए बताई है दिसंबर क्योंकि जस्ट कॉज के अलावा PS4 में दिसंबर के महीने में कोई भी कोई और खास गेम नहीं है जो दिसंबर के महीने में आने वाली है, तो इसलिए मैंने इस गेम को इस लिस्ट में शामिल किया है। जस्ट कॉज की जो रिलीज डेट 4 की जो रिलीज डेट है वो है 4 दिसंबर और उसका जो प्राइस आने वाला है वो होगा 4000 रुपये स्टैंडर्ड एडिशन का और उसका एक गोल्ड एडिशन आने वाला है जिसका प्राइस होगा 7000 रुपये। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये थी PS4 की नवंबर में और दिसंबर में आने वाली गेम्स और मैंने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं गेम्स के बारे में बताया है जो आने वाली है इंडिया में। आप मुझे बताइए कि आपके इनमें से फेवरेट गेम कौन सी है और आप कौन कौन सी गेम का वेट कर रहे हैं और कौन सी गेम परचेज करने वाले हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। साथ में दबाइए बेल आइकन को। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।